नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस वक्त दिल्ली में हैं। इस वक्त उनका इलाज चल रहा है दिल्ली में। हालांकि इसके बावजूद भी वो बीमारी में है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने यानी कि NDA के जो घटक दल हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, इसके साथ ही भाजपा के कई बड़े नेताओं से भी मुलाकात की। इस बात की जानकारी खुद जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए दी है। उन्होंने लिखा है, जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्रों में आरक्षण, दशरथ मांझी जी को भारत रत्न की मांग के सहित बिहार के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह, BJP के अध्यक्ष JP नड्डा एवं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात हुई। आशा है हमारी सभी मांग जल्द पूरी होगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मुलाकात आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हो गई है। मांझी ने खुद ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। अमित शाह के साथ साथ मांझी की मुलाकात बिहार BJP के प्रभारी भूपेंद्र यादव से भी हुई है। मांझी पिछले 2 दिनों से शाह से मुलाकात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिला था। खुद उनके बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी ने यह बताया था कि BJP के बड़े नेताओं की तरफ से मिलने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। शाह से मुलाकात के बाद मांझी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मांझी ने लिखा, न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्रों में आरक्षण, दशरथ मांझी जी को भारत रत्न की मांग सहित बिहार के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह, BJP के अध्यक्ष JP नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव जी से सफल मुलाकात हुई। आशा है हमारी सभी मांग जल्द पूरी होगी। दरअसल मांझी 4 दिन पहले दिल्ली में अपना इलाज करवाने के लिए गए थे, लेकिन दिल्ली पहुँचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का टाइम मांगा। मुलाकात की वजह पूछे जाने पर उनके बेटे संतोष सुमन ने कहा था कि वे बिहार के विकास पर चर्चा करना चाहते हैं, दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग करना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं। अब काफ़ी इंतजार के बाद अमित शाह और JP नड्डा से हुई मुलाकात के बाद मांझी ने अपनी मांगें जल्द ही पूरी होने की इच्छा जताई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मांझी ने जो मांगे यानी कि जो बातें अमित शाह के सामने रखी है उन मांगों को कब पूरा किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इच्छा जताई है कि ये मांगे जो हैं जल्द पूरी कर दी जाएंगी। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।